ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक युवती से जॉब दिलाने के नाम पर करीब 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल नेहा कुशवाहा नाम की युवती को सोशल मीडिया पर नेटवर्क टेलीग्राम पर एक मैसेज आया, जिसमें उसे घर बैठे पार्ट टाइम जॉब दिलाने का लालच दिया गया। नेहा कुशवाहा इस कथित कर्मचारी के झांसे में आ गई। बता दें कि युवती ने 27 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 8,65,000 से ज्यादा रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। बाद में जब युवती ने टेलीग्राम पर कॉल करने वाले शख्स से संपर्क करने की कोशिश की, तब उसे कई उत्तर नहीं मिले। इसके बाद युवती के 3 महीने तक थाने में के चक्कर काटने के बाद आखिरकार शिकायत दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही साइबर अपराध से जुड़े इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम ब्रांच में एक निशा कुशवाहा फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनको जो है टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज किया गया कि उनको उनकी कंपनी जो है ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब देने का काम करती है, उसका कर्मचारी बन के उनसे बातचीत की और उन्होंने विश्वास करके ऑनलाइन अपने अकाउंट से पैसा डाल दिया करीब 8,65,000 रुपये। और बाद में पता चला कि उनके साथ में ऑनलाइन ठगी की गई है, तो उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 420 और 66 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए।